बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। जुनैद है मेरा नाम और आपको हर खबर से अवगत कराना है मेरा काम। संक्रमण से पीड़ित इंसानों की रुकती हुई धड़कन एवं सांसों को निरंतर चलाने में सामने आए ऑक्सीजन मैन अश्विन कासलीवाल। सांसें छीनने वाले होते हैं हैवान और सांसें देने वाले होते हैं भगवान। उज्जैन भारत में इस समय जो कोरोना संक्रमण काल का चक्रव्यूह चल रहा है, इसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है और ना जाने कितने लोग इस काल की चपेट में आने वाले हैं। आखिर इंसान से कौन सी ऐसी बड़ी भूल हो चुकी है जिससे लाखों की तादाद में चारों तरफ मौत का ही मौत का मंजर नजर आ रहा है। हाँ जी सर, किस प्रकार आपके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है? अभी बताया जा रहा है कि आपने मशीन भी वितरित की है, क्या है पूरी जानकारी? हाँ, सिलेंडर जो हम रिफिलिंग कर रहे हैं, करीब 10 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने लोगों को उपलब्ध कराए हैं जो सबके अभी काम आ रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं छोटे छोटे, वो सारे हम रिफिलिंग करके लोगों को देते हैं। और इसके अलावा हमने 5 मशीनें भी उपलब्ध अभी तक हम लोगों को करा चुके हैं, जो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन वाली जो मशीनें अभी जो चल रही है, और 4 मशीनें अभी हमने और मंगाई है जो ये मंगलवार तक करीब हमारे पास वापस आ जाएगी। वो मशीनें भी हम उपलब्ध लोगों को कराई हैं। सभी चीज़ें हमारी ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। दिन भर में आपके पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है ऑक्सीजन के लिए? करीब करीब अगर यूँ देखें तो कम से कम 150-200 लोगों का कॉल आता है ऑक्सीजन के लिए। बाकी हमारे पास जितनी उपलब्ध हो पाती है हम आदमी को 60-70-80 करीब करीब लोगों को मदद हम दिन भर। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की और अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।